वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया अल्लाह तबारक व ने इंसान की फजीलत का मदार इलम पर रखा है कि इंसान का इलम जिस क़दर बढ़ता चला जाता है उस कदर अल्लाह तबारक व ताली के नज़दीक उसका मुकाम बुलंद होता जाता है और यहाँ तक कि इस कदर बुलंद हो जाता है कि आसमान की बुलंदियों की फ़रिश्ते ज़मीन पर उतर कर उस इंसान के पाँव के नीचे पर बिछाते हैं इसलिए हदीस में आता है कि जो तालब इलम तलब इलम के लिए निकलता है और तलब इलम के लिए जब पहुँचता है तो अल्लाह व ताल अल्लाह व ताल उसको इलम का वो मक़ामता फ़रमा देते हैं उसको बुलंद मुक़ाम इलम का ऐसा दे देते हैं कि उसकी कोई नज़ीर नहीं है यहाँ तक किलब इलम जब तलब इलम के लिए निकलता है तो फ़रिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछाते हैं और हदीस में फरमाया कि जो शख़्स इलम के हसूल के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह तबारक व ताल उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं इसलिए कि ज़ाहिर है कि इलमान इंसान की फ़ज़ीलत का मदार है और इलम की बुनियाद पर इंसान को अल्लाह तबारक व वाली ने अशरफुलमखलुक़त करार दिया है क्योंकि सारी की सारी मख्लूक़ इस इंसान की खादिम और ये इंसान सब का मखदूम नज़र आता है इसलिए एक हदीस में इरशाद फरमाया कि मैं यैर यूफ़ीफिद्दीन कि अल्लाह तबारक व ताल जिस शख्स के साथ भलाई और ख़ैर का इरादा करता है अल्लाह तबारक व वा वाल उसको जो इलम का फ़ेहमा फ़रमा देते हैं तफक्द्दीन अल्लाह तबारक व वा वाल उसको अता फ़रमा देते हैं इसलिए दूसरी हदीस में फ़रमाया कि किन्मा के केममा अम्बिया के वारिस हैं इसलिए कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इलम इस रुए ज़मीन पर अम्बिया इक्राम अलिम्सम को हासिल होता है उनके जानशीन और वारसिन अल्लाह तबारक व ताल उलम हकानी को बनाया है कि किमा दीन उस इलम के रास्ते पर जब चलते हैं नबी करीम अलैहि सल वसल्लम के इलम को जब लेते हैं उस मरास को लेकर चलते हैं तभी नबी करीम वसल्लम वल् शाद फरमाते हैं किन्मा उलमा केमा अंबिया के वारिस हैं और आगे इरशाद फरमाया कि अंबिया की मीरास दिरहम और दीनार नहीं होती बल्कि अम्बिया की मरास इलम होती है और ये इलम की मरासम कर आगे चलते हैं इस क़दर बुलंद मकाम इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने इलम की वजह से दिया और यही वो इलम है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने आदम सलातम को मशहूद मलाइका बनाया कि मलाइा को हुक्म दिया कि आदम सलातम को सईदा करो ज़ाहिर है कि इलम का जो जौहर आदम सलातम को हासिल था वो मलाइा को भी हासिल नहीं था चाँचे मलाइका ने आदम सलातम के सामने सईदा किया तो गोया कि इस इलम की बुनियाद पर आदम को वो फजीलत अता कर दी कि वो मशहूदुलमलाइा बन गया मलाइका ने उसके सामने सईद किया उनके सामने सईद तज़ीमी कर कर अज़मत का इजहार किया कि वाकई आदम को अल्लाह तबारक व ताल जो अजमत दे रखी है वो किसी दूसरे को हासिल नहीं है ज़ाहिर है कि ये मामूली मुकाम नहीं था कि पूरी कायनते इंसानी में अल्लाह तबारक व ताल इंसान को सबसे बुलंद तरीन मुकाम अता फरमा दे और वो बुनियाद इलम थी